वेलकम गाइज, MPMKS चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए MPMKS चैनल को और पाइए मध्य प्रदेश नर्सिंग के A to Z जानकारी। सो गाइज, जो स्टूडेंट 2021-22 में मध्य प्रदेश नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं लाइक PNST, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है और बहुत ही अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। देख पा रहे होंगे, अर्जेंट अटेंशन फॉर BSc नर्सिंग, ठीक है। तो ये NTA की जो वेबसाइट है वहाँ पर बड़ा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो देख लेते हैं क्या बोला इन्होंने BSc नर्सिंग कोर्स को लेके ऑल इंडिया वालों के लिए, ठीक है। तो फाइनली ये डाउनलोड हो रहा है और ये अर्जेंट नोटिस 6 अगस्त को जारी किया था, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन NEET के थ्रू होगा 2021-22 में, ठीक है, ऐसा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके लिए आपकी योग्यता 17 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए और साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके 12th में होना चाहिए, 45% आपके होना चाहिए, ऐसा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और आप इस वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हो NTA.ac.in के थ्रू, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कि NEET के थ्रू एडमिशन होगा, ऐसा इन्होंने बोला है। अब प्रोफेशन एग्जामिनेशन जो बोर्ड है, क्या वो इसको एक्सेप्ट करेगा, क्या NEET के थ्रू ही लेगा, वहाँ पर भी हम देख लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि प्रोफेशन एग्जामिनेशन बोर्ड ने अभी तक ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि हम एप्लीकेशन फॉर्म इस डेट को रिलीज करेंगे, ऐसा अभी तक नहीं बोला है PEB ने, ठीक है। तो आप सभी से गुजारिश है, आपके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए NEET का फॉर्म अवश्य भर दें, ठीक है। इससे आपको बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक तो आप MBBS का चांस है, BDS का चांस है और भी काफ़ी मेडिकल के कोर्स है जी वहाँ पर आपके चांस है जी, और साथ में जो BHU है वहाँ पर प्रवेश लेने का चांस है जी, जिपमर में प्रवेश लेने का चांस है जी, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आपकी एंट्री लेने के चांसेस हो जाएंगे। ये बड़ा फ़ायदा है NEET के द्वारा, ठीक है। और हाँ, अगर बाद में प्रोफेशन एग्जामिनेशन बोर्ड ये भी कहता है कि हम तो NEET के थ्रू लेंगे, तब भी आपका फ्यूचर भविष्य एकदम सेफ है, तो NEET का फॉर्म भरना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आप सभी के लिए। सो आप सभी के सवाल रहते हैं, क्या आप PNST जो है क्या NEET के थ्रू होगा PNST? तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये तो अभी प्रोफेशन एग्जामिनेशन बोर्ड ने भी क्लियर नहीं किया है, इन्होंने अभी ओनली क्या दिया है, एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट दी है, ठीक है। ये देखो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट दी है PNST वालों के लिए। तो आपसे यही कहना है कि देखो NEET का एग्ज़ाम दो, तब भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से सामना करना होगा, और आप PNST का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो तब भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सामना करना होगा, तो NEET का फॉर्म अवश्य भर दे आपके फ्यूचर के सिक्योर के लिए। अगर बाद में एंट्रेंस एग्ज़ाम आते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिल जाएगी और तैयारी भी आप इसी चैनल से कर सकते हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके,